दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मनमोहक, युवाओं को संस्कार देने वाला, हमारे जीवन की धारा बदलने वाला और शोध परक विषय प्रस्तुत करने वाला, चिंतन पूर्वक विषय रखने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। कार्यक्रम में हम प्रतिदिन शोध परक विषय रखते हैं और जो भी विषय प्रस्तुत किया जाता है उसको पहले शोध की कसौटी पर कसा जाता है, उसको मल्टी डायमेंशनल सर्वांगीण बनाया जाता है कि सभी दिशाओं के अंदर देखें तो ये विषय किस तरीके से उपयोगी होता है, उसकी क्या सामाजिक उपयोगिता है, उसकी क्या रिलीवेंस है, वो देखा जाता है। तो इसी क्रम में आज का जो मेरा विषय जो है वो सब युवाओं को समर्पित है। आज का विषय है युवा शक्ति का सही नियोजन। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज भारतवर्ष के अंदर 35 वर्ष के 65% युवा हैं, यानी इतनी बड़ी युवा शक्ति, करीब 80 करोड़ युवा हिंदुस्तान के अंदर है। उनको ये मेरा एपिसोड, ये मेरे विचार, मेरे मौलिक विचार, शोध परक विचार, जो कि उनको एक नई दिशा देगा, उनको समर्पित है। मेरे युवा बंधुओं, युवा शक्ति जो होती है वह एक विस्फोट करने वाली होती है, क्योंकि युवा उम्र होती है वो बचपन और प्रौढ़ अवस्था के बीच की अवस्था होती है, वो ब्रिज की अवस्था होती है। आप देखिए, कोई भी कार्य युवा जीवन में ज्यादा किया जाता है, क्योंकि युवा जीवन के अंदर हमारा शरीर पूरा साथ देता है, सारी पांचों इंद्रियां स्वस्थ होती है, मन स्वस्थ होता है, शरीर स्वस्थ होता है और कुछ काम करने की ललक होती है। मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ होना है और मुझे इस समाज को कुछ देना है, इस देश को कुछ देना है, कुछ विरासत छोड़ करके जाना है, तो वो इस तरीके से सोचता है। मैं आपको एक ऐसे युवा का प्रसंग कहना चाहूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने तो उनको पत्रकारों ने ये प्रश्न किया कि आप प्रधानमंत्री बन रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री की आपकी एम्बिशंस हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरी प्रधानमंत्री कहां से एम्बिशन हो, मैं तो पत्रकार बनना चाहता था, एक साधारण कॉमन व्यक्ति हूं। मेरी दो अभिलाषाएं हैं कि पहली अभिलाषा तो ये है कि जो कुछ मैं कार्य करूं वह मेरी समाज की भलाई के लिए होना चाहिए और समाज के सब वर्गों को उसका फायदा मिलना चाहिए, पूरे देश को फायदा मिलना चाहिए। राष्ट्रभक्ति की बात कही उन्होंने और दूसरी बात यह कही कि जब मैं इस दुनिया से अलविदा हो जाऊं, चला जाऊं, तो लोग कहें कि एक अच्छा व्यक्ति आया था और वह समाज के अंदर अच्छा कार्य करके गया, समाज में कुछ छाप छोड़ के गया, समाज में कुछ फ्रेग्रेंस, समाज में कुछ सुगंध छोड़ के गया। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मेरे युवा बंधुओं, कि व्यक्ति वही याद किया जाता है जो उसको समाज को देके जाता है। His contribution to the society is always remembered. Man vanishes, but his fragrance never vanishes. एक गुलाब का फूल होता है, वो खिला हुआ होता है, गुलाब का फूल अगर वो थोड़ा मुरझा भी जाता है, उसको फेंक देते हैं, लेकिन उसकी फ्रेग्रेंस नहीं जाती, उसकी सुगंध नहीं जाती, जैसे इत्र की सुगंध नहीं जाती है, उससे से व्यक्ति के व्यक्तित्व की एक सुगंध होती है और वो सुगंध होती है समाज का परोपकार करने से, अपने जीवन को समाज को समर्पित करने से, कुछ मानवता की सेवा करने के लिए, समाज को कुछ देने के लिए। तो युवा शक्ति का सही नियोजन, युवा विस्फोट कर सकता है, युवा चाहे जैसा कार्य कर सकता है, क्योंकि उसमें कर्मजा शक्ति होती है। और जो कर्मजा शक्ति का उसका नियोजन कैसे किया जाए वो आज का विषय है। इस नियोजन के लिए हम अलग अलग स्टेजेस के ऊपर देखेंगे। सबसे पहले युवा का नियोजन स्वयं पे निर्भर करता है। कोई भी युवा जिसको समझ में आ जाती है, ग्रेजुएशन हो जाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाता है, तो उसको खुद को समझना चाहिए कि मेरी रुचि किस में है। मेरी रुचि पत्रकार में है, डॉक्टर में है, इंजीनियर के अंदर बनने में है, सीए बनने में है या नेता बनने में है,
किसके अंदर मेरी रुचि है, मेरा दिमाग किसके अंदर चलता है, मेरे को इंटरेस्ट किस में आता है। और ये नॉर्मली मैं स्कूलिंग की भाषा में बात करूं कि बच्चा जब इलेवंथ में आता, टेंथ तक जो है सारे कॉमन सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, कोई स्पेशलाइज सब्जेक्ट नहीं होता है, उसको जो जैक ऑफ ऑल बनाया जाता, मास्टर ऑफ नन बनाया जाता है। जब वो ट्वेल्थ में आता है तब उसको जो है उसकी दिशा जागृत होती है, साइंस मैथमेटिक्स में जाना है, साइंस बायोलॉजी में जाना है, कॉमर्स में जाना है या आर्ट्स में जाना है, और फिर उसमें से कौन सी विधा लेनी होती है, उस दिशा के अंदर वो प्रयाण करता है। इसीलिए अपनी शक्ति का नियोजन, अपने भविष्य का निर्माण जो है व्यक्तिगत स्तर पर ज्यादा होता है, और वो अपनी समझ से किया जाना चाहिए, थोपा हुआ वो नहीं होना चाहिए कि पेरेंट्स ने कह दिया कॉमर्स ले ले। जब उसका इंटरेस्ट साइंस मैथमेटिक्स में है, वो कॉमर्स के अंदर क्या इंटरेस्ट। देखिए इंटरेस्ट बड़ी चीज होती है, और व्यक्ति इंटरेस्ट से ही आगे बढ़ता है, इंटरेस्ट से ही तरक्की करता है, और इंटरेस्ट से ही उसको कुछ करने का जो है उसके अंदर मादा पैदा होता है। इंटरेस्ट के बिना कोई कार्य नहीं किया जाना चाहिए, और कार्य जो है वो बोझ साबित होगा। आप इंटरेस्ट से कोई कार्य करेंगे तो 24 घंटे में आपको ऐसा लगेगा कि मैंने तो सिर्फ 2 घंटे कार्य किया, जबकि आप लगातार कार्य करते जा रहे हैं। और कोई आपका बोझिल विषय है जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, आधा घंटा भी ऐसे लगेगा कि 12 घंटे मैंने कार्य कर लिया, वो बोझ बन जाता है। इसलिए बोझ को हटाने के लिए मेरे युवा बंधुओं, सबसे पहले मैं अपना अनुभव आपको शेयर करना चाहता हूँ, नसीहत देना चाहता हूँ, राय देना चाहता हूँ, सजेशन देना चाहता हूँ कि कोई भी अपने आप लाइफ का निर्णय लें, अपने इंटरेस्ट का निर्णय लें, और साफ साफ बड़े बड़े स्पष्ट शब्दों में अपने पेरेंट्स को बता देना चाहिए, या जहाँ भी आपका कार्य है बता देना चाहिए मेरा इंटरेस्ट इस विषय के अंदर है। और फिर जब आपने कोई दायरा तय कर लिया, इंटरेस्ट को तय कर लिया है कि नहीं मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, मुझे कंपटीशन में जाना है, तो फिर उसमें लग जाइए, उसमें लक्ष्य की तरफ रखिए। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि जो द्रौपदी का संयम रचा गया उसमें शर्त डाली गई कि ऊपर एक मछली को टंगा दिया गया और नीचे जो एक कुंड था पानी का, उस कुंड के पानी में उस लक्ष्मी उस मछली की आंख दिखाई दे रही दी, तो उसमें कंडीशन ये डाली कि जितने भी धनुर्धर आएंगे वह उस बिंब को देख करके और उल्टा तीर चलाएंगे, जो मछली ऊपर टंग रही है उस मछली का जो है वो आंख का भेदन कर देगा, उसकी इमेज को देख, उसके बिंब को देख करके उसके साथ में द्रौपदी का विवाह होगा। अर्जुन जब आया, गांडीव जो है ना वो तीरधारी जब आया, गांडीव उसका तीर ऐसा था, उसका धनुष ऐसा था कि लोग गांडीव धनुष के नाम से डरते थे, थर्राते थे। जब उसको पूछा गया, जब उन्होंने अपना धनुष ताना, जब पूछा गया आपको क्या दिखाई दे रहा है, कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, मात्र जिस मछली की आंख को भेदना है वो दिखाई दे रहा है। तो मेरे युवा बंधुओं, आप जब कोई इंटरेस्ट से अपना लक्ष्य बना दें, तो इंटरेस्ट से लक्ष्य बनाने के बाद के अंदर फिर आप इधर उधर भटके नहीं, आप संकल्प शक्ति पैदा करो और चरे वेती हम चलते रहे, कारवां बनता रहा। आप उस दिशा के अंदर, उस इंटरेस्ट के अंदर, उसके अंदर चलते रहो। आप चलते रहोगे तो क्या होगा कि आप उसकी संकल्प शक्ति जो है, आपका जो ये हमारा संजोग होते हैं वो कार्य कराते हैं। हमारे अकेले के हाथ में कुछ नहीं है, हम संकल्प शक्ति कर सकते हैं, हम पुरुषार्थ कर सकते हैं, अगर हमारा संकल्प सही दिशा में है, सत चिंतन है, सत पुरुषार्थ है, सत संकल्प है, तो ये कॉस्मोस, ये पर्यावरण माँ, ये नेचर माँ तैयार बैठी है, वो पॉजिटिव एनर्जी सारी सहस्त्र सार पर भेजती है, और सारा रोम रोम उस पॉजिटिव एनर्जी से जो है भर जाता है, और आप इतने ताकतवर हो जाते हैं, 1000 गुना ताकतवर हो जाते हैं, और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। लेकिन संकल्प शक्ति दृढ़ होनी चाहिए। सबसे पहले इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, उसके बाद में लक्ष्य क्रिएट हुआ, फिर बाद में संकल्प शक्ति हो गई,
तो आप हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। तो ये तो हो गया व्यक्तिगत स्तर पर। अब मैं दूसरा स्तर लेता हूं कि युवाओं का सही नियोजन में किन किन का हाथ है और उनको कैसा दृष्टिकोण रखना चाहिए। तो युवाओं के लिए, क्योंकि वो युवा हो जाते हैं अभी, उनको इतनी पूरी समझ नहीं आती, वो समझ रहे हैं दुनिया को, उनके पेरेंट्स जो होते हैं वो वरिष्ठ नागरिक होते हैं, उन्होंने कई ठोकरें खाई हुई होती है, कई तरह का अनुभव होता है, तो पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले पेरेंट्स को ये सोच रखनी चाहिए, बच्चे को पूछना चाहिए तेरा इंटरेस्ट किस विषय में है, कौन सी शिक्षा ग्रहण करने में है, किधर शिक्षा लेने में है, और जिधर वो इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट करे, तो हमें अपनी पेरेंट्स की सहमति उसमें जता देनी चाहिए। ये बात अलग है कि बच्चा पहले स्टूडियस होना चाहिए, वास्तव के अंदर वो इतनी पढ़ाई करता नहीं, झूठ मूठ तो नहीं बोलता है कि पैसे का वेस्टेज कर दे या केवल बातूनी हो, बात बनाता हो, बात अलग है। लेकिन अगर बच्चा सिंसियर है, अगर बच्चा संकल्प वाला है, अगर बच्चा संस्कारी है, तो पेरेंट्स का फर्ज बनता है कि उसकी शक्ति का नियोजन करो, सही दिशा में करो। सही दिशा क्या है कि उसके इंटरेस्ट को पहचानो और उसके इंटरेस्ट के अंदर भागीदार बन जाओ और उसको संसाधन दो, तरक्की वो करेगा, उसको पैसे का साधन दो, उसको किसी कॉलेज में छोड़ना हो तो छोड़ने की ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कराओ, उसके भोजन की व्यवस्था कराओ, उसका जो स्टडी रूम हो वहाँ पे वो आराम से सो सके, खुला हो, अच्छा वातावरण, उसको संसाधन दिए जाए। बच्चे को पढ़ने के लिए संसाधन देने बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बच्चा अगर मेंटली पजल्ड हो जाता है तो पढ़ना स्टूडियस है, लेकिन उसको संसाधन नहीं मिलते हैं तो तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी इस प्रकृति के अंदर दो चीजों के योग से कोई चीज बनती है। वो योग क्या होता है? उपादान, और दूसरा होता है निमित्त। उपादान हर व्यक्ति का अपना अपना होता है। पूर्व जन्म से कोई अच्छे संस्कार, अच्छी पुण्याई लेके आता है, अच्छा ज्ञान लेके आता है, तो उसको फटाफट कोई चीज पढ़ने मात्र से याद हो जाती है। लेकिन निमित्त क्या होता है? उसको वैसी बुक्स मिलनी चाहिए, उसको वैसा कोचिंग सेंटर मिलना चाहिए, और वह घर आए तो कोई मच्छर वाला कमरा नहीं हो, मच्छर से जो है वो विरक्त, मच्छरों से साफ कमरा होना चाहिए, लाइट की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए और फैन की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए इस तरीके से। दूसरा, उसको खान पान भोजन अच्छा मिलना चाहिए, बच्चे को रेस्ट बराबर मिलनी चाहिए, बच्चे को खेल कूद में जाता है तो उसको व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस तरीके से बच्चा जो सर्वांगीण विकास करता करता आगे बढ़ता है, तो ये युवा शक्ति का सही नियोजन करने में दूसरा हाथ होता है पेरेंट्स का होता है। अब हम तीसरा स्टेज पे आगे बढ़े, युवा शक्ति का नियोजन सही कैसे हो। देखिए, हम समाज में जीते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्यों के समूह को समाज कहा जाता है, पशुओं का भी समूह होता है, पक्षियों का भी समूह होता है, पशुओं के समूह को समाज कहा जाता है, केवल मात्रा का अंतर है, लेकिन वो समूह कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं कर सकता है, मनुष्यों का समूह कार्य कर सकता है, क्योंकि मनुष्यों के पास में विकसित दिमाग है, हर एक अपने अपने दिमाग से अच्छे अच्छे विचार ला करके रखे और उस विचारों की हम माला बनावे, उस विचारों की हम फूलों की माला बनावे, तो वो हमारे लिए बहुत बड़े उपयोगी हो सकते हैं। तो समाज का दायित्व होता है कि जो व्यक्ति स्टूडियस है, जैसे कई पेरेंट्स बेचारे कमजोर होते हैं, तो समाज में बहुत सी संस्थाएं होती है, जैसे मान लीजिए कोई मेडिकल की स्टडी करना चाहता है, फॉरेन जाना चाहता है, सीए की बड़ी बड़ी पढ़ाई करना चाहता है, तो उन सबों को स्कॉलरशिप समाज को देनी चाहिए। ऐसे बच्चे जो कि किसी प्रोफेशनल कोर्स में जिसका एडमिशन हो गया है और घर की स्थिति अच्छी नहीं, वो डिमांड करता है, कोई विदेश जाकर के अपनी पढ़ाई करना चाहता है, तो समाज का ये फर्ज बनता है कि ऐसे स्टूडियस बच्चों को हेल्प करनी चाहिए, स्कॉलरशिप दो। चाहे बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं देते हो, बच्चों को ये कहना कि भाई हम तुम्हें 5 लाख रुपए दे रहे हैं, तुम कमा करके जब तैयार हो जाओ, अच्छे कमाने लग जाओ, तो बिना ब्याज के वापस रिटर्न कर देना। ऐसा होता है, बहुत सी संस्थाएं जो है वो मान लो पूरा डोनेशन नहीं दे पाती है, तो इस तरीके की कंडीशन से वो बच्चे 5 लाख की जगह कल IAS हो गया, कल बड़ा डॉक्टर बन गया, कल CA बन गया, तो वो अपने दिमाग के ऊपर एहसान समझता है कि इसने मेरे जीवन का भला किया, मेरा कैरियर बनाया, तो 5 लाख की जगह वो 10 लाख लेते हैं जब कमाने लग जाते हैं, क्योंकि
बड़े बड़े कैरियर में जाने वाले आज देखिए, जो डॉक्टर बनता है, आईआईटी करता है, वो सीए करता है, विदेश में पढ़ाई करके आता है, तो ये तो क्या है, 24 कैरेट का सोना है ये, तो तुरंत लगते ही आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो इन लोगों को तो है वो नॉर्मल 1 लाख रुपया पर मंथ, 2 लाख रुपया प्रारंभ से ही देते हैं, यानी वो अच्छा कमाने लग जाता है। पर सवाल ये है, उस कॉम्पिटिटिव युग के अंदर वो आना चाहिए, उस कॉम्पिटिशन में विजयी होना चाहिए। तीसरी बात होगी समाज की। अब चौथी बात हम सरकार की बात करें, देखिए नहीं, चौथी बात हम शिक्षा की, विद्यालयों की बात करें कि हमारे स्कूलिंग के अंदर देखिए, कोई बच्चे जो है स्कूल में पढ़ते पढ़ते अच्छे अव्वल आते हैं तो उसको एनकरेज किया जाना चाहिए। जो टीचर्स होते हैं वो बच्चों को जो अच्छे पढ़ते हैं, वैसे तो हर एक को एनकरेज किया जाना चाहिए, सभी बबच्चे समान हैं, लेकिन जो बच्चे देखिए, 3 तरह के बच्चे होते हैं, एक्सीलेंट होता है, मीडियम होता है और न्यून होता है, तो हमें उसके जो है वो ग्रास्पिंग पावर के अनुसार उनके ग्रुप बना करके और उस ग्रुप के हिसाब से हमें उन्हें पढ़ाना चाहिए, और हमें सबको डेवलप करना है, हमको किसी को इन्फीरियर नहीं समझना है या किसी को जो है वो हमें वो कहना चाहिए डिप्रेस नहीं करना है। तो उससे जो बच्चे मेरिटोरियस होते हैं उनको हमारे टीचर्स को प्रमोट करना चाहिए, हमें स्कूल्स को, कॉलेजेस को और यूनिवर्सिटियों को उनको विशेष सुविधा दी जानी चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए। और ऐसे बच्चे जब तैयार हो जाते हैं, ऐसे युवा तैयार हो जाते हैं, तो वो युवा क्या है, अपनी शक्ति का सही नियोजन कर देते हैं। अब देखिए कि सही नियोजन और गलत नियोजन, गलत नियोजन क्या होता है कि बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है, व्यक्तिगत भी नहीं देता है, पेरेंट्स भी नहीं देते हैं, स्कूल भी नहीं देती है, यूनिवर्सिटी भी नहीं देता है, तो क्या होता है कि बच्चे वो बुरी संगत में पड़ जाते हैं। कई बच्चे अच्छे मस्तिष्क वाले होते हैं लेकिन उनकी संगत खराब हो जाती है, वो एडिक्शन लेने वाले हो जाते हैं, वो जो किसी गिरोह में पढ़ करके और कई तरह की ड्रग्स लेते हैं, आजकल ऐसी ऐसी ड्रग्स आ गई है कि वो नशा, नशा जो है वो नाश का द्वार है, पहले व्यक्ति नशा करता है फिर नशा व्यक्ति को खाने लग जाता है, तो वो ऐसी परिस्थिति के अंदर जो है वह बच्चा जो है धीरे धीरे उस नशे के अधीन हो जाता है, लत के अंदर हो जाता है, और आजकल ऐसा हो रहा है। ये शक्ति का नियोजन कहाँ हुआ, ये तो शक्ति का विभाजन हुआ, वो बच्चा नशे का एडिक्टेड होकर के वो क्या युवा हमारे देश का कल्याण करेगा, क्या माता पिता का कल्याण करेगा और क्या खुद का कल्याण करेगा, ये उसका सही नियोजन नहीं हुआ, उसको प्रारंभ से अच्छे संस्कार नहीं दिए गए, पेरेंट्स के माध्यम से, स्कूल्स के माध्यम से उसको चेक नहीं किया गया, उसको प्रमोट नहीं किया गया, उसको प्रोत्साहन नहीं दिया गया, इसीलिए उस दिशा के अंदर चला जाता है। और ऐसे बच्चे जब उस दिशा में जो ही पहला कदम रखते हैं उस कदम को रोकना चाहिए, और जब वो पारंगत हो जाते हैं और फिर हम उसके ऊपर रोक लगाएं, उसको बुरा भला कहें, तो अब तो वो तो एक्सपर्ट हो गया उस गलत लाइन का, तो आप क्या कर पाओगे, क्या सुधार की बहुत कम गुंजाइश होती है। इसीलिए सही नियोजन की बात कर रहा हूं, और आजकल बुरा नियोजन तो हो ही रहा है। और देखिए क्या हो रहा है कि कई पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं तो वो बच्चे कॉलेज के प्रारंभ में ही उन बच्चों को पॉलिटिकली यूज करते हैं, उनसे क्या हिंसा करवाते हैं, उनसे गलत नारे लगवाते हैं और उसका यूज करते हैं, वो अपनी डर्टी पॉलिटिक्स के अंदर करते हैं, तो उन बच्चों को भ्रमित करते हैं, बच्चों को गलत दिशा में ले जाते हैं, तो उसका सही नियोजन नहीं हुआ। कुछ इस तरीके की गलत गलत संस्थाएं हैं जो आतंकवादी बना देती है, युवा होता है 20 साल का 25 साल का, उसको लोभ दिया जाता है कि तुम्हें 25 लाख देंगे, 50 लाख देंगे और तुम्हारे परिवार की पूरी सुरक्षा करेंगे, तो बच्चा उस जो युवा उस लोभ के अंदर आ जाता है, उसको पता नहीं कि मेरा जीवन ही नहीं रहेगा तो मेरे पैसा किस काम का, परिवार के कैसे क्या का, जब मैं ही नहीं रहूंगा परिवार का क्या होगा क्या नहीं होगा, लोभ में आ जाता है। फिर वो क्या होता है कि उसके अंदर वो धीरे धीरे सीखने लग जाता है, गिरोह में पड़ जाता है, डाकू डकैत लोग होते हैं वो, इस तरीके से वो जो ढूंढते हैं और अपनी श्रृंखला के अंदर जोड़ देते हैं और जोड़ करके अपराधी लोग होते हैं, वो अपराध करवाते हैं। और इन सब अपराधों को देखो, चाहे ATM को तोड़ना हो, चाहे कोई बड़ा से बड़ा षड्यंत्र करना हो, चाहे आतंकवाद करना हो, चाहे किसी जो है फ्लाइट को जो है कहना चाहिए कि वो रोक लेते
सकते हैं वो करना हो, या किसी जो है वो हॉस्पिटल के अंदर जो है सबको बंदी बनाना हो, तो इस तरीके से सारे जो कार्य आज हमारे अपराध के हिंसा के सारे कार्य कर रहे हैं उसमें युवा शक्ति कार्य कर रही है। क्योंकि व्यक्ति जब प्रौढ़ हो जाता है, व्यक्ति 40-50-60 का हो जाता है, उसकी पारिवारिक जिम्मेवारियां बढ़ जाती है और उस जिम्मेवारियों से ऊंचा नहीं आता है, उसके बाल होते हैं, बच्चे होते हैं, चिंतन करने लग जाता है, इनको पढ़ाना है, लिखाना है, इनके लिए मकान बनाना है, इनकी शादी करनी है, उसी चक्कर में हो जाता है तो बच जाता है। लेकिन जो युवा गलत लाइन के अंदर 20-25 साल की उम्र में चल जाते हैं, उनकी पढ़ाई भी छूट जाती है, गिरोह में चल जाते हैं, माँ बाप परेशान हो जाते हैं, वो लापता हो जाते हैं, और उसका जिद माँ बाप बेचारे 20-25 साल तक बच्चों को पालते हैं और किस तकलीफ के साथ पालते हैं, हर माँ बाप जानता है जो बच्चे को जन्म देता है, माँ जानती है किस तरीके से वो आले के अंदर तो खुद सोती है और सूखे में बच्चे को सुलाती है और अच्छा अच्छा भोजन बच्चे को कराती है और खुद निम्न तरीके करती है, अच्छे अच्छे कपड़े बच्चे को पहनाती है और उसके मदर फादर जो है वो फटे हुए जैसे भी कपड़े बेचारे पहन लेते हैं। बच्चा अच्छा होना चाहिए, बच्चे को उमंग होनी चाहिए, बच्चा आगे बढ़ना चाहिए हर तरीके का, वो अपने जीवन को तो भूल जाते हैं और बच्चे के ऊपर जीवन को न्योछावर कर देते हैं। और ये हिस्ट्री एक नहीं, हर माँ बाप की हिस्ट्री होती है कि जब बच्चे बड़े होने लग जाते हैं माँ बाप बच्चों के बारे में सोचने लग जाते हैं, बस ये तैयार हो जावे, ये पढ़ ले, ये लिख ले, इनकी अच्छी शादी हो जावे, इनका जॉब लग जावे तो हम गंगा नहाए, ऐसा करते हैं। तो युवा शक्ति का सही नियोजन के लिए हम सभी समाज के लोग, सभी वर्गों के लोग जोड़ करके इस युवा शक्ति का हम बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं और इनको गलत लाइन में नहीं जाना चाहिए, अपने निजी स्वार्थ को छोड़ करके गलत लाइन के अंदर इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। और ख़ास तौर से अब मैं आज के सिनेरियो के साथ में जैसा मैंने बात की, एडिक्शन के अंदर जाना, अपराध में जाना, हिंसा में जाना, सारे कार्य युवा शक्ति करती है क्योंकि उनको गलत संस्कार मिलते हैं, गलत जो संस्थाएँ उनको ले जाती है, गलत लोग अपने गिरोह में ले जाते हैं। इसीलिए युवा बंधुओं मेरा करबद्ध प्रार्थना है और मुझे आप गार्जियन समझो, वरिष्ठ नागरिक समझो, तो मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि मैंने पूरे जीवन भर किसी तरह का एडिक्शन नहीं किया। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता, आपको साधुवाद कार्यक्रम वो आज उसके अंदर जान आ रही है क्योंकि आप देखते हो, लोगों को प्रमोट कर रहे हो, नियमित रूप से दिखाया जा रहा है कि भाई आजकल युवाओं में संस्कार आवे, गिरते हुए मान्य मूल्य उठे, शोध परक चीजें दिखाई जाती है। तो आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना, आपका जीवन मंगलमय हो, आनंदमय।